आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। जगत गुरु परम पूज्य सदगुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी के परम भक्त एवं युग पुरुष धाम पंचकुइया के सचिव, बच्चों के बीच बड़े सर के नाम से लोकप्रिय तुलसी धनराज शादीजा के 56वें जन्म दिवस के अवसर पर युग पुरुष धाम पंचकुइया के देव स्वरूप बच्चों ने यहां पर स्थित अनंतेश्वर महादेव को 56 भोग लगाकर खुशियां मनाई। युग पुरुष धाम के प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि बड़े सर तुलसी धनराज शादीजा अपने माता पिता के संस्कार पाकर पिछले 30 वर्षों से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बड़े सर ने जगत गुरु स्वामी परमानंद जी की प्रेरणा से समाज को सिर्फ देना ही सीखा है। आज डोल 11 पर्व पर तुलसी धनराज शादीजा के जन्मदिन पर युग पुरुष धाम की सभी शिक्षिकाओं, बहनों एवं हॉस्पिटल परिवार ने अपने हाथों से प्रसाद बनाकर आश्रम के देव स्वरूप बच्चों से 56 भोग लगवाए। इस दौरान नन्हे बालिका ने गणेश वंदना की नृत्य में प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात अतिथि उद्बोधन एवं सतगुरु देव की आरती की गई। बाद में बड़े सर तुलसी धनराज शादीजा एवं अतिथियों ने बच्चों को कुमकुम तिलक लगाकर मोतियों की माला पहनाते हुए उनका सम्मान किया। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास के संयुक्त संचालक सुचिता तुर्की, बेस बाल संरक्षण अधिकारी भगवान दास साहू, सुषमा त्रिवेदी, अनुप सिंघल, गुरु परिवार से विजय शादीजा, विष्णु कटारिया, जीडी नागर, श्याम चौहान, डॉक्टर जे एन अग्रवाल, जयराम ठाकुर, जानवी पवन ठाकुर, डॉक्टर माथुरी सहित युग पुरुष धाम के पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, डॉक्टर एवं स्टाफ ने बड़े सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सब सर्वप्रथम तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी के शिव चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव से ये संस्कार मिला कि आपको ये मानव जन्म क्यों मिला, तो इस मानव जन्म को जो हमें मिला है उसकी उपलब्धि के लिए अपने लिए कुछ नहीं होना चाहिए। जो है समाज का है, जो इस सृष्टि का है, तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। जो गुरुदेव ने ये मंत्र दिया उसको देखते हुए जो ये हमारे देवस्वरूप बच्चे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि जन्म मरण क्या होता है, कि वो यहाँ क्यों आए और उनका क्या उद्देश्य है, इसलिए इन बच्चों के बीच में जन्म उत्सव मना के इनको ये बताना कि कोई आपकी तिथि भी एक ऐसी आती है साल भर में जिस उस तिथि को हम जन्म उत्सव के दिल में मनाए जाते हैं। इसलिए आज हमने भगवान को 56 भोग लगा के इन सब बच्चों के साथ एक जन्म उत्सव का कार्यक्रम मनाया। जगत गुरु परम पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे जो संस्था सचिव बड़े सर तुलसी धनराज शादीजा जी का 56वां जन्मदिन है और उनका हमेशा ये रहता है कि ये कभी भी हम लोग मानसिक दिव्यांग या मनबुद्धि या इनको श्रवण बाधित इस टाइप के शब्दों का प्रयोग हमारी संस्था में कभी इन बच्चों का नहीं किया जाता है। शुरू दिन जब आए थे तब से बड़े सर ने बोला कि ये देव स्वरूप बच्चे, मतलब इन बच्चों में वो देवता है क्योंकि ये निश्चल बच्चे हैं। तो आज चूँकि 56 भोग बड़े सर 56 ईयर्स के हुए, तो हम लोग जो हमारे अनंतेश्वर भगवान है वहाँ 56 भोग का हमने आयोजन किया और हमें जो बड़े सर का स्वभाव पता है कि इन्हें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है तो वो हमारे स्पेशल बच्चे
तो इन देव स्वरूप बच्चों को बड़े सर ने एक एक को तिलक लगाया, एक एक को माला पहनाई। और मैं तो कई बार ये सोचती कि मैंने कहने कितने भाग्य अच्छे लिखा है जो मुझे परम पूज्य सद्गुरुदेव की ऐसी संस्था मिली जिसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। यहाँ पे प्रेम है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस संस्था में कभी आके ऐसा लगा हो कि या मेरे साथ जितना परिवार है कभी भी हमारे यहाँ ये नहीं लगा कि हम यहाँ सर्विस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। यहाँ एक युगपुरुष धाम एक बड़ा परिवार की तरह रह रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े सर को एक बार पुनः सारे बच्चे और सारी शिक्षिकाओं की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।